स्वागत तो है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल डी के डिजिटल कैश में। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मैं यहां पर बिटकॉइन लीजेंड माइनिंग एप्लीकेशन के बारे में कुछ नए अपडेट्स, जिसमें कि आप लोगों को KYC के बारे में यहां पर कुछ ज़रूरी जानकारी जो है वो दी जाएगी। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे कि आप लोगों को सभी ऑफिशियल अपडेट्स और साथ ही साथ नए नए क्रिप्टो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और एयर ड्रॉप्स आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों बढ़ते आगे यहाँ पर और बात करते हैं बिटकॉइन लीजेंड एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों की जो पहले से इसके अंदर माइनिंग कर रहे हैं उनके लिए तो सिर्फ जो टास्क है वो KYC का रह गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके अंदर माइनिंग स्टार्ट नहीं करी है। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप लोगों के पास में अभी भी ऑप्शन है कि आप इसके अंदर माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करिए और नया अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर अपनी माइनिंग BCL के अंदर ज़रूर करिए। तो दोस्तों यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो पुराने यूजर्स हैं उनके लिए ये अपडेट है वो है KYC का, और ये कल अपडेट आया था हमारे पास में जिसको मैं आज आप लोग साथ में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिस क्राइटेरिया फॉर KYC फ्री विद व्यूइंग एड्स, यानी कि यहाँ पर आप लोग अपनी जो KYC है वो एड्स के ज़रिए पूरी कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने प्रीवियस जो अपडेट्स दिए थे बिटकॉइन लीजेंड माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में, इसमें आप लोगों को KYC के लिए $6 पेमेंट करने का यहाँ पर जो है रिकमेंड किया गया था, यानी कि इस इनके जो ऑफिशियल अपडेट्स थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को KYC अगर करनी है तो उसमें $6 की पेमेंट मांगी जा रही थी, ठीक है। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसके अंदर मैंने $6 की फ़ीस दी और अपनी KYC कंप्लीट कर ली, और आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर जो है $6 की फ़ीस दे करके अपनी KYC कंप्लीट की होगी, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी KYC कंप्लीट नहीं है। तो उन सभी लोगों के लिए, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ये अपडेट है जिनकी KYC अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ग्रीटिंग BCL यूजर्स, आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ आवर KYC रोलेट एंड वीविंग अल्टरनेटिव वी हैव रिसीव्ड एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस ऑन द फर्स्ट डे अलोन 2000 इंडिविजुअल्स अप्लाइड फॉलोड बाय 1500 ऑन द सेकेंड डे, यानी कि यहाँ पर जो पहले दिन है दोस्तों जब इन्होंने ये ऑप्शन खोला तो उस टाइम पर 2000 इंडिविजुअल्स ने अप्लाई किया था इसके अंदर KYC के लिए, जिसके बाद यहाँ पर फॉलोड बाय 1500 यानी सेकेंड डे जो है यहाँ पर लगभग 1500 लोगों के आसपास जो है यहाँ पर एप्लीकेशन आई थी, ठीक है। इसके बाद दिस हैज़ लेड टू अ वर्कलोड सर्च फॉर KYC वेरिफिकेशन टीम। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर हम बात करें या कंपेयर करें KYC पाई नेटवर्क के अंदर, तो सेम प्रोसीजर देखिए वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया है तो उससे आप लोग अंदाज़ा समझ लगा सकते हैं कि हमारे पास में BCL के अंदर भी काफ़ी सारे माइनर्स हैं, और जिसमें यहाँ पर अभी जो इन्होंने ये नया ऑप्शन ओपन किया है तो इसमें अभी इनके पास में वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। सो वी आर करंटली डूइंग KYC सर्टिफिकेशन इशूज सच एज मिसमैच बिटवीन ID फोटोज़ एंड देयर फेस मैनुअली एंड दे आर बीइंग प्रोसेस्ड इन ऑर्डर दे वर रिसीव्ड। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो KYC का सर्टिफिकेशन है, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ इशू आ रहे हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ का मिसमैच या फिर ID जो है आपकी उसके साथ में मिसमैच, ओवरऑल जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने प्रोवाइड किए हैं उसमें जो भी मिसमैच आ रहा है, तो ये सभी कुछ जो इशू हैं उन्होंने अभी बताए हैं कि भाई इस तरीके के इशू जो है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और इसके बाद लेकिन हम जो है इसको प्रोसेस कर रहे हैं सही तरीके से ले जाने के लिए, KYC कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है ज़्यादातर लोगों की KYC यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। सो सिमिलरली BCL विड्रॉल आर आल्सो बीइंग प्रोसेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन, साथ ही साथ BCL का विड्रॉल भी जो है वो भी प्रोसेसिंग में है। दोस्तों मैं अगर अपनी पर्सनल लेवल पर बात करूँ तो मैंने अभी तक कोई विड्रॉल नहीं लिया है, लेकिन हाँ विड्रॉल अवेलेबल है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने विड्रॉल ले भी लिया होगा। जिन जिन लोगों ने ले लिया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने विड्रॉल लूँगा सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ भाई किस तरीके से विड्रॉल हमें यहाँ पर लेना है, सिर्फ उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी BCL के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या जब कभी भी अपडेट जब कभी भी मैं आप लोगों के साथ में BCL की अपडेट शेयर करूँगा उसमें मैं आप लोगों को विड्रॉल करके यहाँ पर ज़रूर दिखाऊँगा। तो मेक श्योर कि दोस्तों आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सो द iOS वर्जन हैज़ बीन अपडेटेड, तो यहाँ पर इनका iOS वर्जन भी एक नया अपडेट आ गया है उसके अंदर, एंड वी आर रिक्वेस्टिंग KYC सर्टिफिकेशन फ्रॉम एन आउटसाइड कंपनी, और ये जो टीम है यानी कि जो BCL की टीम है ये यहाँ पर
बाहरी कंपनी से KYC अब करवाने की कोशिश कर रही है एंड देर आर सीरियस डिफरेंसेस ऑफ KYC फीस बिटवीन रिव्यूइंग एड्स एंड KYC सर्विस कॉस्ट $6 बिकॉज द रेवेन्यू ऑफ व्यूइंग एड इज़ क्वाइट लो। तो यहाँ पर कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट जो है वो ज़रूर दोस्तों आप लोगों को समझनी चाहिए, जिसमें इन्होंने क्लियर किया है कि भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि जब हम किसी से फीस ले रहे हैं $6 की, ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर हम जो है एड्स के ज़रिए KYC कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अब इन्होंने बताया कि जब हम एड्स से ये चीज़ कर रहे हैं तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो काफ़ी लो होता है, जो कि एक KYC कंपनी को पेमेंट करने के लिए शायद इनफ नहीं है। सो वी आर प्लानिंग टू मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर जो है अभी कुछ और प्लान चल रहा है जिसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि KYC फ्री होगी विद व्यूइंग एड्स बिफोर व्यू एड्स ऑफ 8 times at 1 time, यानी कि आपको एक बार में 8 बार जो है एड्स देखने होंगे, जिसमें व्यू एड्स ऑफ टोटल 30 times, यानी कि जब 30 times आपके टोटल एड दिख चुके होंगे, सो ओनली 1 time per day विद स्टार्टेड माइनिंग, यानी कि आप जो है आपको एक टाइम में लगभग 8 बार एड प्ले करना होगा, ठीक है, जिसको आप डेली बेसिस पर करेंगे तो 30 times हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी जो है यहाँ पर KYC का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि अपनी माइनिंग सेशन भी उसको डेली ज़रूर स्टार्ट करना है। तो ये इन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई आप ऐड देखोगे प्लस माइनिंग भी आपको स्टार्ट करके रखनी है, जिससे कि यहाँ पर आप लोगों को KYC मिल पाए फ्री में बिना कोई फीस के। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कुछ शेड्यूल बताए गए हैं अगस्त और अक्टूबर के लिए। तो BCL लिस्टिंग जो है वो होगी ला टोकन एक्सचेंज के ऊपर। ला टोकन एक्सचेंज के ऊपर आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एयर ड्रॉप उसके शेयर किए थे बीते दिनों में, तो आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में पता होगा। तो वहाँ पर भी लिस्टिंग होगी। इसके साथ साथ गेम रिवॉर्ड्स वेबसाइट अपडेटेड फॉर NFT रेंटल एंड ऑनरशिप बेनिफिट्स। तो यहाँ पर कुछ गेम रिवॉर्ड्स भी जो है अपडेट किए जाएंगे एंड इसके साथ साथ बर्निंग 5000 BCL कॉइन्स जो है वो टोटल सप्लाई के अंदर से बर्निंग उनकी कर दी जाएगी बिफोर 60,000 million BCL। और इसके बाद फिर जब 11,000 million BCL बचेंगे तो उसके बाद फिर और बर्निंग यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। सो लॉन्च ऑफ टू न्यू यूज़र फ्रेंडली RPG गेम्स इवेंट फॉर रिड्यूसिंग BCL सर्कुलेशन सप्लाई। तो इसके बाद साथ साथ यहाँ पर कुछ और RPG गेम्स भी इनकी तरफ से जो है वो लॉन्च की जाएंगी। तो ये सब कुछ था दोस्तों इस अपडेट के अंदर BCL की तरफ से। बाकी दोस्तों अगर आपके पास में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके साथ साथ आप मुझसे इससे रिलेटेड या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों सभी अपडेट्स के लिए चैनल को तो लाइक सब्सक्राइब करके रखें, पर साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करके रखें, जिससे कि आपको आसानी हो किसी भी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।